महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव दया करेंगे मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करेंगे मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। गुरुदेव दया तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो मुझे प्राण से प्यारे हो। मेरे मन में समाए हो मुझे प्राण से प्यारे हो। मुझे प्राण से प्यारे हो मुझे प्राण से प्यारे हो। नीति माला जपो तेरी मेरे दोस्त भुला देना। नित माला जपो तेरी मेरे दोस्त भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
सेवक हो, गुरु चरणों का दास हो। मैं संत का सेवक हो, गुरु चरणों का दास हो। मैं संत का सेवक हो, गुरु चरणों का दास हो। भुला मुझे इस जग में अकेला हो, नहीं ना मुझे इस जग में अकेला हो, इस जग में अकेला हो, इस जग में अकेला। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं मुझ दिल से भुला देना। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करेंगे मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव जन गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव जन गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम।
निगो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक सीताराम बना सकते किसको? सीताराम किसको बना? दो लड़की को बना। एक घंटा बाद हाँ, जैसे वो दो लड़की हो ना, दो लड़की को बना सकते। देख दो लड़की बराबर है, देख सीताराम बना दो। इसको घर में कपड़ा बना। जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती हो रही है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हरता है। भागवत भगवान की श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हरती। मार्ग दिखाने वाला, दिग्नि को बनाने वाला, दिग्नि को बनाने श्री राम यही घन श्याम। I'm not afraid of the dark.
आए प्रिय धर्म सति जत शबर भुलारी तेरा धमा धम पद सरसी जो आसे ठाकुर भगवती बिना तो शक्ति पद सके भाते हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 ज्ञान निरांभस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय वैस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्य नमो नमः नमः महाबलाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवै प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतये नमो नमः तमादि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकान्तर आजुभाव
पुत्री तन्मयतया तरवोदनेदुं स्तम सर्वभूत हृदय मुनिवाणतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरि कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोलो हरि कृष्ण हरे कृष्ण सभी बोला कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कोई बैठ करके सामने बात नहीं करना, नहीं तो आपको पीछे में हटा दूंगा। हरे कृष्ण। गत गल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्णा कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके प्रभु आए और श्री वृषभानंद महानंद बाबा बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया जय कन्हैया। हाँ, बड़े धूमधाम से उन्होंने नंद महोत्सव मनाया। श्री जब भगवान कृष्ण गोकुल में जन्म हुए नंद बाबा पहले बड़े उदासीन थे, बड़े दिनों से उसी समय जो सबसे बड़े राजा था श्री कंस महाराज। नियम होता है राजा को हर छोटे छोटे राजाओं को कार देनी चाहिए। नंद बाबा सोच रहे थे घर में तो कोई लाला है ही नहीं, इसलिए ये कर भर देकर क्या होगा, जब मैं मर जाऊंगा खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बड़े दिनों से उन्होंने कर नहीं दिए। लेकिन जब घर में कृष्ण जन्म हो गए नंद बाबा का तो इतने आनंद, अभी लाला धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर लाला की शादी होगी, फिर घर में बहू आएगी, फिर छमछम करके घूमेगी, फिर नाती पोती होगी। नंद बाबा की इतने बड़े बड़े स्वप्न। बोले भैया कोई शुभ काम होना उसमें बड़ा बाधा विपत्ति आती है, ये कंस बड़ा दुष्ट है, एक काम करो जल्दी जल्दी इसको कर दे करके मैं आता हूँ। नंद बाबा गए मथुरा में कंस को कर देने के लिए। उधर क्या हो रहे हैं, श्री वसुदेव महाराज अपना गुप्तचर से पता लगा रहा है अभी ये कंस क्या कर रहा है, क्योंकि उनको पता है ना कृष्ण को मैंने राता रात लेकर गोकुल में छोड़ कर के आ गया, मेरे बेटा सुरक्षित है कि नहीं, हर समय गुप्तचर खबर दे रहा है कंस कर रहा है क्या, कंस कर रहा है क्या। इतने में श्री गुप्तचर ने कहा वसुदेव अभी कंस ने पुतना को भेज दी, कंस ने पुतना को भेज दी। इतने में श्री नंद बाबा श्री कर दिया तो कंस को, और नंद और श्री वसुदेव ये भाई लगते हैं, आपस में ये भाई लगते हैं। अपना भैया से मिलने के लिए गया, लेकिन वसुदेव ने ये नहीं बताया मैंने राता रात वहां बेटे को रख करके और बेटी को, उन्होंने ये बात नहीं बताई। बोले देख नंद तू ज्यादा समय यहाँ मत रहा कर, हो सकता है गोकुल में कोई विपत्ति आ जाएगी, क्योंकि कंस ने ये पुतना को भेज दिए, तू जल्दी जल्दी यहां से चले जा। इतने में श्री
नंद बाबा तो भगवान नारायण को स्मरण करते करते, हे नारायण तुमने ये बूढ़े उम्र में लाला को दियो है, तुम ये लाला को तुम ही रख सकते हो, तुम ही देखभाल कर सकते हो। ठाकुर जी को स्मरण करते करते श्री नंद बाबा अभी वापस आ रहे हैं गोकुल में। जब आ रहे थे बोले कंसना प्रहिता घोरा पुतना लोक बालाग्नि। इतने में जिस समय श्री कंस हैं, जिस समय घर में बालक को श्री वसुदेव महाराज लेकर के लाली को लेकर घर में आ गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, हथकड़ी बड़ी पड़ गई और वो जो छोटी बच्ची थी ना वो जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दी। दूत ने जाकर के कंस को खबर दिया बोले कंस तेरा काल ने जन्म ले लिया। कंस भागते भागते आया, देखा वो बेटा नहीं बेटी, देवकी बहुत प्रार्थना की बोले भैया तुम मेरे छह छह बच्चों को मार चुके हो, केवल एक बेटी को दे दे। कंस कहां सुनने वाला, अभी तो थी वो जोग माया क्योंकि वो देवकी हाथों में थी, लेकिन कंस स्पर्श करते ही हो गई वो महामाया। जब उसने पछाड़ने के लिए गया वो जो महामाया चरण की एक ठोकर मारी कंस को, कंस तो वहीं पर लुढ़क पड़ा और वो आकाश में उड़ गई। अष्टभुजाओं को धारण करते हुए बोली रे मुझे कंस तुम मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म। जितने उसने अघासुर बकासुर त्रिनावर्त पुतना को बुला करके मीटिंग करवाई बोले बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। पुतना बोले चिंता क्यों कर रहे हो, मेरा नाम ही पुतना है। पुतना मतलब क्या, पुतना, पुत मतलब होता है पुत्र, ना मतलब नहीं जिसकी बेटा नहीं पुत्र नहीं, बोले मेरा नाम ही पुतना। एक महीना को अंदर में तो कहीं जन्म हुआ होगा, बोले हाँ, बोले मेरे को आदेश दे मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकती हूँ, सारे बालकों को मैं मार डालूंगी। इतने में वो सीधा आ गई गोकुल। जब गोकुल आ गई यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले पुतना का और एक अर्थ होता है पुत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र। वो राक्षसी थी, वो राक्षसी थी। कहते भैया ये राक्षसी कहाँ प्रवेश करती हैं, बोले नजत्र श्रवणादिन, जिस घर में प्रभु का कीर्तन नहीं, जिस घर में ठाकुर का कोई भजन पूजा पाठ नहीं करते हैं, केवल खाओ पियो और मर जाओ, जिस घर में ठाकुर को कोई सेवा पूजा नहीं होती है, कहते वहीं पर ये जितने पाप प्रवेश करती हैं। लेकिन जिस घर में ठाकुर को सेवा पूजा पाठ हो, घर में कीर्तन रोज होता है, घर में सबके सब भगवान की हरिनाम माला जप करते हैं, कहते वो घर में कभी पाप कभी उसी घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर तो कृष्ण स्वयं भगवान जन्म हुए, पर ये पाप कैसे प्रवेश कर गई, बोले कृष्ण की इच्छा है। बोले क्यों, अगर पुतना नहीं आती ना, हम जो बैठ करके प्रभु की कथा सुन रहे हैं, पर ये कथा क्या होता, अगर कंस नहीं होता कृष्ण लीला क्या इतना होती, अगर राम नहीं होते क्या रावण नहीं होता इतना बड़ा रामायण होता। इसलिए ये ऊपर से दिखते हैं भगवान की जैसे शत्रु है, लेकिन दूसरे तरह से प्रभु की लीला को मदद करते हैं, कृष्ण की इच्छा। लेकिन ये पुतना जब आई ना बोले क्या सुंदरी बन करके आई थी, ऐसे लग रहा था मानो भगवान कृष्ण जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं कमल वन से निकल करके आ गई। क्या उसकी चाल, क्या उसकी तरिच चितवन, क्या उसकी श्रृंगार, सबके सब गोकुलवासी देख रहे थे बोले भैया ये कौन कहां से आ गई, इतने सुंदरी आई कहां से। कहते जो पाप है ना ऊपर में देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है लेकिन अंदर में गंदी होती है, लेकिन ऊपर में ऊपर से अच्छी लगती है। अभी पुतना सीधा आ करके और कुछ गोपियां बड़ी सुंदर कीर्तन करते करते, अभी तक 6 दिन हुआ कृष्ण जन्म होने का, सबके सब आनंद से कीर्तन करते करते श्री नंद भवन में जा रहे थे। इतने में पुतना तो उनको साथ में हिल मिल करके अंदर चली गई।
और उसी समय मैया जसोदा और रोहिणी कृष्ण को पल्ले में झुला रहे थे और वो पुतना सीधा गई, कोई बोल चाल नहीं, सीधा कृष्ण को पकड़ ली। बोले मैया जसोदे, इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में झुलाते हैं, इसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए। बोले भैया, आपका घर में अनजान व्यक्ति आएगा और तुम्हारी बच्चे को उठा लेगा, आप कुछ बोलोगे कि नहीं? बोलोगे कि नहीं? बोलोगे ना भाई, तू कहाँ कहाँ से आई, लाला को उठा रहे हो? लेकिन ये उठ बोले नहीं क्यों? बोले ये इतने देखने में सुंदर लग रही थी, जसोदा सोच रही थी कृष्ण जैसे सुंदर हैं, अगर इसकी मैया बनने का लायक तो यही है, मतलब ये इतने सुंदरी बन करके आई थी। उनको हिम्मत नहीं हुआ, जब उनने कृष्ण को गोद में उठा ली, इतने में कृष्ण ने आंख बंद कर दिए। तब हमारे टीकाकार लोग बड़ी अच्छी अच्छी बात बताते हैं, यहाँ पर कृष्ण आंख क्यों बंद की? देखो मेरे तरफ में देखो, मैं इसका अभी 5-6 कारण बताऊंगा, कृष्ण आंख क्यों बंद किए, और कल आपसे सुनूंगा। बताओ कौन बोल पाएगा? हाथ उठाओ, कौन बोल पाएगा? बोलोगे मैं जो बात बताऊंगा? हाँ, छोटे छोटे बच्चे सब याद करना, ध्यान देख रहे सुने सबके सब। कृष्ण आंख क्यों बंद किया? पहला कारण है, बोले ये कपटी है। भगवान कहते हैं मैं कपटी व्यक्ति को पसंद नहीं करता हूं, इसलिए भगवान राम कहते हैं जिसके हृदय में छल छिद्र कपट है उसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं तो प्यार करता हूँ जो एकदम निष्कपट है, निष्कपट व्यक्ति को मैं प्यार करता हूँ। लेकिन ऊपर से पुतना, ऊपर में तो बड़ी सुंदरी सज करके आई, लेकिन वो कौन थी? वो थी राक्षसी। बोले अंदर में तो राक्षसी और ऊपर में माँ की रूप धारण करके आओ, तो कपटी, कपटी व्यक्ति का मुंह मैं नहीं देख सकता हूँ। ये पहला कारण हुआ, सब याद करना, मैं सबको पूछूंगा कल। और दूसरा कारण है, भगवान जगत में क्यों आए? बोले आने का कारण है, बोले परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान इसलिए जगत में आए हैं दुष्टों को विनाश करने के लिए और संतों को रक्षा करने के लिए। लेकिन भगवान सबसे पहले पुतना को मारे, अभी श्री गणेश करने जा रहे हैं, हैं? अभी श्री गणेश करने जा रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी ने सोचा अभी तो ये माँ की रूप धारण करके आई, अभी तो मैं मारूंगा, लेकिन मारूंगा तो ये छटपट करेगी, लेकिन ऊपर में तो माँ की रूप धारण करके आई ना, प्रभु बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, इसलिए प्रभु सोच रहे हैं इसकी कष्ट को फिर मैं कैसे देख सकता हूँ, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दिए। कितना कारण हो गया? कोई गिन नहीं रहे, कितना हो गया? दो हो गया। तीसरा कारण बताए, बोले तू आई क्यों? बोले बच्चों को मारने के लिए। बोले जानता हूँ ये जितने बच्चे कौन है, ये मेरे सखा और सखी हैं, कोई ललिता, कोई विशाखा, कोई चंपकलता, कोई श्रीदाम, वसुदा, मधुमंगल, ये सबके सब मेरे सखा सखी, तू इनको मारने के लिए आई हो, इसलिए मैं तेरे मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। इसलिए ठाकुर ने क्या की? आंख बंद कर दी। चौथा कारण बताए, बच्चों का एक स्वभाव होता है, क्या स्वभाव है? अपना परिवार सदस्य होना, उनको सामने तक खेलता कूदता है, अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाए ना, फिर भगवान बच्चे डर जाते हैं। बोले ये कहां से दारी की आ गई, इसको मैंने कभी देखा ही ना कहां से, इसलिए मानो प्रभु ने आंख बंद कर दी। इसका पंचमा कारण बताए, बोले ये कौन है, क्योंकि बोले जनामा जनामा मोनी जाता ना कराए, जनामा जनामा मोनी जाता ना कराए, जनामा जनामा मोनी जाता ना कराए, ओ जन्म जन्म मुझे जाना कराए, जाता ना कराए,
इसलिए प्रभु सोच रहे जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी बड़े बड़े मुनि लोग अंतिम समय में मेरे नाम मेरे को स्मरण नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसने पूर्व जन्म में इसे क्या पुण्य की, मैं जो परम ब्रह्म परात्पर तत्व हूँ मेरे को गोद में उठा रही है। इसलिए मानो प्रभु आंख बंद करके पूर्व जन्म में उसने क्या पुण्य की देख रहे थे। बोले हाँ सचमुच से ये पुण्य की। बोले कब? भगवान जब वामन बन करके आए, ये बलि महाराज की बेटी रखने वाला थी, ये सोच रही थी अगर ऐसे मेरा एक बालक होता है ना, दिन भर उसको गोद में लेकर मैं प्यार करती। इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जब मैंने तीन पग में सब कुछ ले लिया, बोली ये तो बड़ा दुष्ट है, सब कुछ ले भी लिया और मेरे पिताजी को बांध भी दिया, बोले अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना, तेरे को दूध क्या मैं तेरे जहर पिलाऊंगा। भगवान बोले बेटे भी बन जाऊंगा जहर भी पिलूंगा। वही रत्न वाला अभी पुतना बन करके आई। कितना कारण हो गया, कितना हो गया? पांच हो गया। देखो ये बच्चे लोग गिन रहे हैं, अब लोग कोई नहीं गिन रहे। हरे कृष्णा। उसका छठवा कारण बताए, भगवान की गर्भ में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, लेकिन वो तो स्तन में दूध है ही नहीं, उसकी स्तन में तो जहरी जहर भर करके लाई। भगवान अगर जहर पान करेंगे तो क्या होगा, विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगी। सारे देवता हाहाकार करने लग गए, बोले हे प्रभु इसकी स्तन पियो मत, ये केवल जहर जहर लेकर के आई, अगर आप स्तन पान करोगे ना आपका पेट में विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा। इतने में भगवान आंख बंद करके श्री शंकर जी को स्मरण कर रहे हैं। बोले भोले जल्दी जल्दी आओ। बोले क्यों? बोले क्यों किया, तुम्हारा काम बीस पीना और मेरा जो काम है ना दूध पीना, इसलिए तू बीस पीस को पी लो और मैं दूध दूध को पी लेता हूँ। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। अभी पुतना ने कृष्ण को अपना स्तन पान कराई, स्तन तक घी नहीं, वहां तक केवल जहरी जहरे। भगवान स्तन क्या पान करेंगे ठाकुर जी, उसको प्राण को शोषण की। पुतना बोले हे भगवान ये छह दिन का बच्चा जैसे मेरे प्राण को शोषण कर रहा है। उसने बहुत कोशिश की छुड़ाने के लिए। भगवान ने कहा देखो सहज में मैं किसको पकड़ता है ही नहीं, अगर एक बार किसको पकड़ लेता हूँ ना मैं तो कभी छोड़ना सिखाई नहीं। जब तक अपना चरण में नहीं पहुंचा दूंगा तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं। इतने में पुतना सोच रही है किसी तरह से मथुरा चला जाऊं, मेरे भैया कुछ करेगा। इतने में पुतना अपना असली रूप में आ गई। क्या भयंकर उसकी रूप थी, इतने बड़ी थी। बोले त्रिगव्य थी। बोले त्रिगव्य तो कितना बड़ा होता है, बोले 8 मील लंबी चौड़ थी। और कृष्ण को पकड़ करके आकाश में उड़ चली। जब उड़ चली कृष्ण कहा जा रहे हो, तुम मेरे पास में आए हो और मेरे को गोद में उठाया, इतने प्यार तुमने दी, तेरे को बाहर थोड़ी जाने दूंगी। अभी कंस का एक सुंदर बगीचा थी, सुंदर सुंदर फल फूल से भरा हुआ था, लेकिन उसका निर्देश था ये बगीचा की कोई फल फूल कृष्ण नहीं तो कोई ब्रजवासियों की सेवा में नहीं लगनी चाहिए, मेरे और मेरे अनुजाइयों की सेवा में लगनी चाहिए। कृष्ण बोले दुनिया मैंने बनाया, सब कुछ मेरा, और मेरे को नहीं मेरे भक्तों को नहीं, ये दुष्ट लोग सबके सब फल खाएंगे। इसलिए जोग माया ने पुतना को वहीं उड़ाते हुए ले गए और वो बगीचा में इतने जोर से फेंके, उसको इतने जोर से फेंके सारे पेड़ पौधा लता पता सब खत्म हो गई। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो अभी ध्यान देकर सुनो, मन लगाकर मेरे तरफ में देखो, इधर उधर मत देखा कर कौन कैसे साड़ी पहन करके आए। सब के सब भूल जाते हैं कथा, कौन कैसे साड़ी पहन करके आई, कौन कहाँ से आ रही, जैसे जीवन में कोई देखे नहीं। हाँ देखो अभी सुना, देखो हमारे टीकाकर यहाँ पर देखो कितना कितना दिन कथा सुनोगे, यहाँ पर 6-7 दिन कथा सुनोगे, यहाँ से कुछ लेकर के जाना ठीक है ना, ऐसे नहीं कथा भी खत्म तुम भी खत्म। और यहाँ से गए
सात दिन कथा खत्म हो गया, अपना पल्लू झाड़ करके बोले कथा यहीं पर रहे और मैं तो यहाँ से जा रहा। नहीं, इतना मैंने भी बहुत परिश्रम की, आप भी यहाँ पर तीन तीन चार चार घंटा बैठो बैठे कि नहीं, इसलिए यहाँ से कुछ ले करके जाना। देखो यहाँ पर टीकाकार लोग क्या कहते हैं, ये पुतना क्यों उड़ करके आ गए, इसलिए ध्यान देकर सुनो। कंस का निर्देश था ये बगीचा की कोई भी फल फूल कृष्णा और कृष्ण भक्तों की सेवा में नहीं लगनी चाहिए। ये दुनिया बनाया किसने, हमने बनाया ना, ठाकुर जी ने बनाया। किसने बनाया दुनिया को, भगवान बनाया। इसलिए उपनिषद कहता है ये दुनिया में दो कुछ देख रहे हो, मैंने बनाया, ये मेरे दुनिया है। फिर क्या करनी चाहिए, बोले तिना तेतन भुंजी था, मतलब जो कुछ घर में खाते हो पहले भगवान को भोग लगा। क्या करो, पहले भगवान को भोग लगाओ तुलसी पत्ता दे करके, फिर वो क्या बन जाएगा, प्रसाद। भगवान ने बनाया इसलिए उनकी सेवा में लग गई। समझो तुमने जितने परिश्रम किए है, पति ने जो परिश्रम करके पैसा कमाया, तुमने जो इतने कष्ट करके रसोई बनाई, समझना ये सार्थकता हो गया। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाया, सारे कुछ बढ़िया 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 खाना तुम बनाया, लेकिन ठाकुर को सेवा में नहीं लगा। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन भुंजन्ते तु अघम, वो केवल पाप भोजन होता है। और मनु संहिता में कहता है जो चीज ठाकुर को भोग में नहीं लगेगा, बोले स्वान बिष्टा, स्वान मतलब होता है कुत्ता, बिष्टा मतलब वो दाल चावल सब्जी नहीं, वो कुत्ते का बिष्टा तुम खा रहे हो, ये मनु संहिता कहता है, हैं? और उपनिषद कहता है तुम सबके सब चोर हो। सबके सब कौन हो, चोर हो। बोले क्यों, बोले दुनिया प्रभु की, और तुमने प्रभु को बगैर भोग लगाए खा लिया तुमने, सबके सब चोरी तुमने की। बोले चोरी करोगे तो क्या होगा, बोले जेल जाना पड़ेगा, डंडा पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर में डंडा पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए जो कुछ खाना है क्या करना, पहले ठाकुर जी को भोग लगाना। देखो ध्यान देकर सुनो, जो व्यक्ति घर में ठाकुर को भोग लगाकर खाएगा ना, उसकी घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, उसको घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। बोले क्यों नहीं आएगी, देखो एक छोटी सी स्टोरी सुना। बोले एक समय किसी घर में शादी शुदा थी, उसने सारे सबको निमंत्रण दिया और कुछ संतों को भी निमंत्रण दिया। अभी संत लोग जब आए और जब उनका रिश्तेदार लोग आए, जो बड़े बड़े टाई कोट बूट पहने हुए थे, देखना शादी में कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, और संत लोग तो गए वैसे ही हैं। अभी जो घर का मालिक था ना, संतों को अलग बैठा दिया और जो बड़े बड़े टाई कोट बूट पहनकर उनको अलग बैठा दिया और उनमें आदेश दे दिया, देखो ये संत लोग तो खाली हाथ से आए, एक काम करना कल रात का जो खिचड़ी बनी ना, ये संतों को तरफ में खिचड़ी भेज देना, और जो टाई बूट कोट पहन करके आए इनके लिए रसमलाई लड्डीगिन चमचम शाही पनीर मटर पनीर इनकी तरफ में ये चमचे भेज देना। अभी भगवान कृष्ण को चिंता लग गई, देखो ध्यान देकर सुनो, इसमें बड़ी अच्छी सीख है। अभी ठाकुर जी को चिंता लग गई, बोले किस चीज की, बोले देखो ये कह रहे हैं मेरे जो भक्त हैं उनको बासी खिचड़ी खिलाएगी, और ये जो रिश्तेदार आए इनको बढ़िया चकाचक खिलाएगी। अभी संत लोग क्या करते हैं, वो खाने से पहले बगैर भोग लगाए कभी खाते ही नहीं, वो जब खाना खाएंगे क्या करते, मेरे को तो भोग लगाएंगे, पहले मैं खाऊंगा फिर मेरे भक्त खाएंगे, और मेरे को संत लोग क्या खिलाएंगे, वो बासी खिचड़ी। और ये जितने अभक्त ये जितने नास्तिक ये रसमला लड्डीगिन चमचम और शाही पनीर खाएंगे, ऐसे होगा। इतने में जो कृष्ण थे ना, उसने जो व्यवस्थाप का रूप कृष्ण स्वयं धारण कर लिया, धारण करके भगवान ने क्या किया, जितने बढ़िया मालपुआ पकवान शाही पनीर थे ना, बोले ये संतों की तरफ भेज दो, क्योंकि ये लोग मेरे को तो भोग लगाए मेरे खाएंगे नहीं, ये संत की तरफ में भेज दो, और जितने बासी खिचड़ी है ना ये सब टाई बूट कोट इनके पास मिट्टी को, बस भगवान आकर के दोनों तरफ में अलग बना दिया। अभी संत लोग सबसे पहले तुलसी पत्ता देकर ठाकुर को भोग लगा और चकाचक भोजन की,
और जो टाई बूट कोट पहन कर का है ना वो बासी खिचड़ी खाने लग गए। हाँ देखो ध्यान देकर सुना, जब तुम भगवान की सेवा करोगे ठाकुर जी को भोग लगाओगे क्या होगा, माँ लक्ष्मी तुम्हारी ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। माँ लक्ष्मी तुम्हारी ऊपर प्रसन्न हो जाएगी, क्यों, तुम लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगा रहे हो। फिर माँ लक्ष्मी ना तुमको छुपा छुपा कर पैसा देते रहे, बेटा तू मेरे पति को सेवा करता है ना, लो लेकर खूब पैसा लो और मेरे प्रभु की नारायणी की सेवा करो। अगर भगवान की सेवा में कुछ नहीं लगाओगे ना, भले ही इसी जीवन में लक्ष्मी आ जाएगी पूर्व जन्म का कर्म का फल से, और अगले जीवन में रोड का भिखारी बना कर रख दे, बोले वही पर बैठ रहा हूँ, क्यों मैं तेरे घर में आई हूँ, मैं तो भगवान की नारायण की, लेकिन तुमने मेरे को प्रभु की सेवा में नहीं लगाई, अभी रोड में बैठ करके भीख मांग रहा, तेरे पास तो मैं नहीं कभी आऊंगी, ठीक है ना। इसलिए क्या करोगे बताओ, तो बताओ क्या करोगे, पहले ठाकुर जी को भोग लगाओगे। देखो आप लोग सब कृष्ण लीला देखे होंगे, कृष्ण लीला देखे होंगे, एक समय सुदामा और कृष्ण ये जंगल में जा रहे थे और इनकी जो गुरु माता थी सुदामा जी को चाना दिया, बोले सुदामा ये कृष्ण को दे करके खाना, लेकिन ये सुदामा ने क्या किया, भगवान को बगैर भोग लगाए ना उसने खा लिए। भगवान तो सब जानते हैं, भगवान बोले मेरे हिस्सा का भागत मैंने खा लिया, अगले जीवन में तेरे को दरिद्रता उठाना पड़ेगा। इसलिए सुदामा बड़ा दुख कष्ट उठाया, लेकिन जब इनकी पत्नी को पता चला इनका बचपन का दोस्त तो कृष्ण है, इनकी बचपन का दोस्त तो कृष्ण, बोले जाओ एक बार कृष्ण को दर्शन करके आओ। बोले देखो कृष्ण को पास में खाली हाथों में नहीं जानी चाहिए, कुछ ना कुछ ले करके जानी चाहिए। फिर सुशीला दो मुठी उन्होंने चिड़वा मांग करके लाई, भगवान ने एक मुठी चिड़वा खाए, ठाकुर जी दो मुठी खाए, जब तीसरे मुठी खाने जा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, बोले नहीं आपने दो मुठी चिड़वा खा लिया मतलब है उसकी घर में सारे राज और ईश्वर जो पहुंच गया, अगर तीसरी मुठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी उसको घर में मेरे को दासी बनना पड़ेगा। सचमुच से जब सुदामा वापस आया सोने के महल बनी, पत्नी राज रानी बनकर के बैठ हुई, पहचान नहीं पा रही, समझ रहे हो, अगर भगवान को भोग लगा कर खाओगे ना देखना घर में खूब लक्ष्मी आएगी, घर में लक्ष्मी खूब आएगी, अगर भोग नहीं लगाओगे ना फिर क्या होगा बताओ, भोग नहीं लगाओगे तो। हाँ देखो एक दिक्कत है, अगर हम प्याज लहसुन खाएंगे तो भोग लगा ही नहीं सकते, अगर प्याज लहसुन खाओगे ठाकुर को भोग नहीं लगा सकते हो, इसलिए हमें ये प्याज लहसुन हमें त्याग देनी चाहिए, ठाकुर जी को जो प्रिय है वो चीज हमें भोजन करनी चाहिए। मैंने आपको कथा सुनाया था ना कि जो प्याज है ये गैया की मांस से ये प्याज बनी, और जो लहसुन ये गैया की हड्डी से बनी हुई है, इसलिए आप लोग नवदुर्गा की व्रत रखते हो, नवरात्रि रखते हो, तुम लोग कौन कौन रखते हो नवरात्रि में खाते हो प्याज लहसुन, क्यों नहीं खाते हो, कारण है उसका सृष्टि गंदी चीज से उसकी सृष्टि, इसलिए कोशिश करना प्याज लहसुन को घर से फेंक देने के लिए, ठीक है। और शुद्ध रूप में भगवान के लिए खाना बनाओ ठाकुर जी को बढ़िया से, लेकिन हम क्या कहते जानते हो, अरे प्याज लहसुन के बगैर स्वाद नहीं आता, प्याज लहसुन के बगैर स्वाद नहीं आता, हम ऐसे बोलते हैं ना, स्वाद नहीं वो बदबू आती है, वो बदबू को हमने स्वाद मान लिया। आप केवल कुछ दिन ये प्याज लहसुन मत खाओ, देखना जहाँ प्याज लहसुन बनेगी तुम खड़े भी नहीं हो सकते हो, जैसे शराबी शराब पी पी करके आदत बिगाड़ देता है, कहते शराब का बिगड़ तो रहा ही ना नहीं जाता, शराब तो बड़ी प्यारी लगती, शराब भी अच्छी लगती है, उसी तरह प्याज में बदबू आती है, यहाँ प्याज काटो ना पूरा पता चलेगा कि प्याज कट गई, यहाँ प्याज की छोंक दो देखना चारों तरफ में बदबू बदबू आ जाएगी। दाल की एक अलग टेस्ट है, हर सब्जी की एक एक अलग टेस्ट है, लेकिन जब उसमें प्याज डालते हैं ना उसमें प्याज की बदबू आ गई और सबका टेस्ट को उसने खत्म कर दिया,
लेकिन हम कहते नहीं स्वाद नहीं आती, स्वाद नहीं बदबू आती है, इसलिए शुद्ध रूप में बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगाना। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो उन्होंने पुतना को पीछे सबके सब भागे, देखा कृष्ण कहाँ पर, देखा उसको छाती के ऊपर में कृष्ण किलकारी मारते हुए खेल रहे हैं। फिर कृष्ण को वहां से मैया उतारी और उनको स्तन पान कराया। जब कृष्ण थोड़ी सी मीठी मीठी हंसे ना, देखा मेरे लाला ठीक ठाक है। फिर उन्होंने ब्राह्मण को बुला करके अपना लाला को उन्होंने आशीर्वाद दिलवाया और फिर घर में वापस ले आई। और पुतना का शरीर में जब आग लगाए, उसको शरीर से चंदन कर्पूर अगरों की खुशबू आ रही थी। बोले क्यों? बोले भगवान उसकी स्तन को पान किया है, इसलिए भगवान सबसे पहले उन्होंने पुतना को मारे। हम लोग बताओ तो भगवान राम सबसे पहले किसको मारे थे? कौन बोलेगा हाथ उठाओ? भगवान राम, कृष्ण तो पुतना को मारे, भगवान राम सबसे पहले किसको मारे? किसको मारे? किसको मारे? तारका को मारे। देखो ये तारका का मतलब क्या होता है, बोले तारा यति इति तारका, मतलब जीव को जो भगाता है। बोले जीव को कौन भगाता है? काम क्रोध लोभ मोह यही भगाता है, और यही ये पाप है। और ये पुतना कौन है? ये भी अपवित्र, ये अविद्या, अभी पाप है। इसलिए दोनों प्रभु एक ही शिक्षा देते हैं, अगर मुझे कोई हृदय में बैठना चाहते हो, पहले किसको मारो? ये तड़का को पहले मारो और पहले ये पुतना को मारो। ये पुतना कौन है? ये प्याज लहसुन जितने चीज है ना, यही सब पुतना है। ये तड़का कौन है? ये भी यही सब प्याज लहसुन मांस मछली शराब गुटखा गंजा भांग, यही सब तड़का और यही सब पुतना है। इसलिए भगवान कहते हैं अगर मेरे को हृदय में बैठना चाहते हो, सबसे पहले ये अविद्या को खत्म करो, फिर मेरे को हृदय में बैठा सकते हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज वनिता सब पुष्प है मधुकर गोकुल चंद्र की, बज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज वनिता सब पुष्प है हर मधुकर गोकुल चंद्र। अरे मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी, मेरे घर आना। अच्छा कौन किस किस के घर में? गोपाल जी है, हाथ उठा के बताए। लगभग के घर में है तो गोपाल जी से प्रेम करते हैं कि नहीं? आप लोग जानते हैं कौन कौन बुलाते हैं अपने घर में? सब लोग बुलाते हैं तो यहाँ तो प्रेम का आभास भी नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? अगर प्रेम करते तो उनको नाच नाच के बुलाती।
ना कोई बाज रहे ना कोई ताली बजा रहे, मैं अकेला गा रहा हूँ। तो ऐसा है, आप लोग जब ताली बजा कर गाते हैं नाचते हैं ना, तो हमें उत्साह मिलता है कि और क्या सुनाओ, क्या बढ़िया भजन सुनाओ। तो इसलिए आप लोगों का उत्साह से ही बढ़िया भजन आता है, ठीक है। तो आप लोग ताली बजा कर नाच ना सके कोई बात ना है, लेकिन ताली जरूर सेवा करें, तालियों की सेवा करें और पीछे पीछे गाए। मेरे घर आना सवरिया न जाने थाजूंगी, मेरे घर आना सवरिया अरे जाने थाजूंगी तो जाने थाजूंगी, हर मेरे घर रहे कि लोग नाच रहे हैं तो इसके बीच में ना आए, इसका हो रहा है तो श्री राधे Thank you.
घर आओगी तो सखियों को बुलाओगे, मेरे घर आओगी तो सखियों को बुलाओगे, हर सखियों को बुलाओगे, सखियों को बुलाओगे, अरे राधा को बुलाओगे, राधा को बुलाओगे, अरे मेरे घर आता संवरिया तुझे जाते Yeah.
जय श्री राम है। अरे आगे आ जाओ, पीछे वाला आगे आ जाओ, पीछे वाले जो आगे आ जाओ, इधर इस तरह से आ जाओ। ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम है, जय जय श्री राम है, जय जय श्री राम है। जब पुतना आई नंद बाबा वापस आए मथुरा से, फिर उनको पता चला ये पुतना कितने सुंदरी बन करके आई थी, और ये क्या निकली, ये निकली राक्षसी। नंद बाबा ने बड़ी बड़ी कड़ी पहरा लगा दी, बोले देखो अरे गरे व्यक्तियों को घुसने मत दिया करना। इतने में श्री शंकर जी ने देखा, मैंने प्रभु की सारे लीला पे देखी है, लेकिन ये प्रभु की एक लीला हमने नहीं देखा, इनका बाल गोपाल का स्वरूप है। शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करके आ गए। शंकर जी को कहते ना सत्यम शिवम, सत्यम शिवम, लेकिन शंकर जी को तो बताया सुंदरम, लेकिन उनको ऊपर का जो बेस है ना वो देखने में बड़े असुंदर लगते हैं। बताओ शंकर जी शरीर में कोई स्नो पाउडर और कोई कोई सेंट लगाते हैं? शंकर जी शरीर में क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बहुत लगाते। बोले कहाँ की? बोले कोई पवित्र नहीं, शमशान की। बोले क्यों क्यों लगाते हैं? दुनिया को शंकर जी, ये जगत गुरु शंकर है, दुनिया को शिक्षा देते हैं। देखो जिस शरीर को तुम ब्यूटी पार्लर में लेकर कितना सुंदर सजती हो, जिसमें इतने सोम पाउडर लिपस्टिक और क्या क्या लगाते हो, और जिस शरीर को हाँ बढ़ाने के लिए चबन प्रास खाते हो, कभी कभी उल्टा सीधा गंदी गंदी चीज खा लेते हो, जानते हो ये शरीर का नतीजा क्या है? ये शरीर का नतीजा है एक मुट्ठी राख है, और एक शंकर जी के गला में माला किस चीज की, हड्डी की। बल्कि ये शरीर का परिणाम भी ये दो टुकड़े हड्डी है। अगर प्रेम करना है ना, ये शरीर में ज्यादा आसक्ति मत रखा करो, आसक्ति रखना तो भगवान के आसक्ति करो, ठाकुर जी को प्रेम करो। कहते शंकर जी की सर पर कौन सा फूल चढ़ाते हैं? कोई बेली चमेली जूई है? कहते कि फूल नहीं, कहते ये धदुर है और आकंद की फूल है। जो पेड़ को कोई नहीं लगाते हैं, जो पेड़ अपने आप जंगल में अपने आप हो जाता है, वो पेड़ को वहाँ वो फूल को लगाते हैं। कहते अच्छे अच्छे फूल क्यों नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं चढ़ाते हैं? शंकर जी कौन है? कहते ये वैष्णव नाम यथा संभो, ये भगवान की सबसे प्यारे भक्त श्री शंकर जी। कहते जितने अच्छे अच्छे फूल ये तो मेरे प्रभु कृष्ण और राम की सेवा में लगेगा, मैं तो भगवान के सेवक हूँ, इसलिए मैं तो जंगल में अपने आप जो फूल हो होता है मैं उस चीज को ग्रहण करूंगा। शंकर जी मेरे तरफ में देखो, उधर क्या देख रहे हो अब, सबके सब मेरे तरफ में देख रहे हो, हरे कृष्ण। इसलिए शंकर जी कोई सोने चांदी के कोई अलंकार नहीं पहनते हैं, अलंकार क्या धारण करते हैं, सबके सब सर पर, गले में, कमर में, देखना सबके सब शंकर जी के जो अलंकार सबके सब सर पर है। बोले ये सांप कौन है? बोले उनका गुरु श्री अनंत देव। शंकर जी दुनिया को शिक्षा देते हैं, अगर अलंकार धारण करना तो गुरु जी की उपदेश को अलंकार रूप में ग्रहण करो, जिसको द्वारा तुम्हारी संसार की बंधन समाप्त तो हो जाएगी। इसलिए शंकर जी उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए बहुत कोशिश की, क्योंकि शंकर जी परम संत हैं। शंकर जी कहाँ रहते हैं? कैलाश में जाकर के बर्फ को हैं, बर्फ में रहते हैं। शंकर जी तो छुपाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को छुपा नहीं सकी। बोले क्यों? बोले शंकर जी में सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी को पास में, सबसे पवित्र वस्तु क्या बताओ तो? शंकर जी को पास में सबसे पवित्र वस्तु बताओ तो क्या? कौन बोलेगा हाथ उठाओ? शंकर जी को पास में सबसे पवित्र वस्तु क्या है? कोई हाथ नहीं उठा रहे, क्या है? गंगा। क्या है? बोलो हाथ उठाए बताओ। गंगा। क्या है बताओ, पीछे से बोलो। गंगा। इसलिए शंकर जी की जटा में
वो पतित पावनी माँ गंगा की निवास है, बोले श्री गंगा देवी की। इसलिए शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए आकर के गोकुल में आए, अलग निरंजन करते करते इतने में शंकर जी वहां पर कोई एक दरवान थी, गोपी थी, इतने में बोले शंकर जी, बोले मैंने सुना है नंदक घर में एक सुंदर लाला भयो है। वो गोपी बोली नंद घर लाला भयो तो तेरे कहा भयो है? बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दे, बढ़िया आशीर्वाद दूंगा। बोले बाबा कुछ दिन पहले ये पुतना आ गई थी और वो तो देखने में बड़ी सुंदरी लग रही थी, लेकिन निकली वो राक्षसी, तू तो देखने में बेस लग रहे हो, तेरे को तो देख करके मेरी जी घबरा रही है। लाला खाला का दर्शन नहीं होगा, जो सोना चांदी भिक्षा लेने में लो और अपना रास्ता देखो। उसने जा करके मैया जसोदा को बोल दी, मैया कहीं से एक बाबा आयो है, वो कहता है लाला को दर्शन करा दे, जिसको देख करके मेरी जी घबरा रही है। इतने में मैया जसोदा आई, उनने सचमुच से शंकर जी को देख करके डर गए। बोले बाबा कहा बात है? बोले मैया मैंने सुना तेरे घर में लाला भयो है। बोले लाला भयो तो तेरे कहा भयो है? बोले लाला को दर्शन करा दे, बढ़िया आशीर्वाद दूंगो। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो निकली राक्षसी, वो बड़ी सज धज करके आई थी, लेकिन तेरे को तो देख करके मेरी जी घबरा गई है, लाला का दर्शन नहीं होगा। मैया तो लेकर कन्या को कोड़े में छुपा दी, शंकर जी वहीं पर त्रिशूल गार करके बैठी गई। बोले यहाँ से मैं हटने वाला नहीं हूँ जब तक लाला को दर्शन नहीं करा दोगे। इतने में कृष्ण इतने जोर से रोने लग गए, क्यों? शंकर जी भगवान की सबसे परम भक्त है, इनके बगैर प्रभु का कोई लीला ही नहीं होती है। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आए तब ये श्री शंकर जी, अभी हम सुनेंगे, गोपीश्वर बन करके आए। जब रामलीला में प्रभु आए राम बन करके, शंकर जी किस रूप में आए बताओ तो? क्या बन करके शंकर जी आए? क्या बन करके आए? हम लोग कोई ग्रंथ व्रंथ कुछ नहीं पढ़ते हो, दिन भर के टीवी देख देख करके सासू बहू की लड़ाई देखती हो, कोई रामायण गीता कुछ पढ़ती नहीं ग्रंथ। इसलिए घर कम से कम घर में थोड़ी गीता भागवत तो पढ़नी चाहिए ना। मैं कल बता रहा था ना, एक अंग्रेजी व्यक्ति सुइसाइड करने जा रहा था, हाँ सुइसाइड करने जा रहा था, जिस ड्रा में उसका बंदूक रखा हुआ था उसी ड्रा में ये भगवत गीता रखी हुई थी। उसने जब सुइसाइड करने के लिए गया एक अंग्रेजी, जब वो ड्रा में हाथ लगाया वो बंदूक नहीं आकर के आ गई ये भगवत गीता, ये गीता उसके हाथ में आ गई। अभी वो मरने जा रहा है सुइसाइड करने के लिए, इतने में गीता खोल कर पढ़ना शुरू कर दिया। बोले इसमें क्या लिखा हुआ? वो पहला श्लोक में था, बोले तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्तसि शाश्वतम। कृष्ण खुद कह रहे, बोले हे अर्जुन, अगर तू जीवन में शांति पाना चाहते हो, परम आनंद पाना चाहते हो, जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आएगा तब तक जीव कभी संसार में सुखी नहीं हो सकता। रावण जैसे व्यक्ति सोने की लंका में भी तुझको शांति नहीं मिली। इसलिए अगर तू सुख शांति पाना चाहते हो मेरे शरण में आया। ये जो संसार है ये एक दुख का घर है। ये क्या संसार है? ये दुख का ये घर है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, दुखी दुखी। बोले क्यों दुखी संसार में? चूंकि वो मेरे को छोड़ करके ये अनित्य वस्तु में असार संसार में वो सुख ढूंढता है, इसलिए जीव को सुख नहीं मिल रहा है। अगर सुख पाना चाहते हैं अर्जुन तो मेरे शरण में आ, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, तब भी जीवन में तेरे को शांति सुख मिलेगा। वो अंग्रेजी मरने जा रहा था और भगवान समझाइए, ये शरीर हम नहीं, हम आत्मा है, ये अजर अमर नित्य शाश्वत है। वो मरेगा क्या? रात भर वो गीता को पढ़ते रहा, रात भर वो गीता पढ़ा, वो मरना छोड़ दिया। देखा भैया ये
किताब आई कहाँ से, उसका एड्रेस को देखा, उसको एड्रेस को देख कर गया, वो इस्कॉन मंदिर में गया। ये अमेरिका की घटना है। वो मंदिर में गया और वहां पर साधुओं को देखा, तो उन्होंने सारे प्रश्न की, संसार में क्यों दुख है, इसका कारण क्या है, जीवन में तो कोई दुख को निमंत्रण देता ही नहीं, लेकिन बगैर निमंत्रण के ये दुख क्यों आता है संसार में। कोई दुख कोई निमंत्रण दे तो घर में, हमारे घर में दुख आए, लेकिन बगैर निमंत्रण में क्यों आता है। उन्होंने सारे प्रश्न की जवाब उसको मिला, उसको सारे प्रश्न के उसको सही सही जवाब मिला। फिर उसने मरना छोड़ दिया। हम जैसे सन्यासी जैसे धारण किया ना, उन्हें संसार छोड़कर सन्यास ग्रहण किया। अभी वो व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी में, सारे पृथ्वी में अभी हमारी वो क्रिश्चियन है। वो व्यक्ति अभी हमारे जैसे सन्यासी वेश धारण करते हुए संपूर्ण पृथ्वी में ये गीता भागवत रामायण को अभी प्रचार करता है। लाख लाख लोगों को भगवान की भक्ति में ला रहा है वो व्यक्ति। देखो ये गीता कितने अच्छी ग्रंथ है। इसलिए घर में क्या करना, गीता पुस्तक पढ़ना। अगर हमारे घर में कोई गीता होगा ना, उसको बांध करके ना कोई ऊपर रखा हुआ, पूजा करते होंगे, लेकिन गीता मीता से कोई मतलब नहीं। घर में जितने गंदी गंदी पुस्तक पढ़ा होगा, नाटक नावेल उल्टा पुल्टा हीरो हीरोइन की पिक्चर, जितने गंदी चीजें हमारे घर में पढ़ा हुआ, तो बच्चे सुधरेंगे कहां से। क्या करना, रोज एक एक श्लोक पढ़ना, सवेरे नहा धो करके गीता का एक श्लोक और उसका नीचे जो अर्थ है। अभी मोदी ने, हाँ मोदी ने अभी नियम कर रहे हैं, हर स्कूल में अभी गीता पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे मुसलमान अपना कुरान को पढ़ते हैं, हैं? जैसे क्रिश्चियन अपना बाइबल पढ़ते हैं। देखो आप कोई मुसलमान को देखो, हम मंदिर में तो जाते हैं, अपना हिंदू मंदिर में क्या करेंगे, थोड़ी परिक्रमा लगाएंगे, थोड़ा बेल बजाएंगे और वापस चले आएंगे। लेकिन किसी मुसलमान को देखो ऐसे नहीं, वो अपना मस्जिद में जाएगा, खोल करके कुरान पढ़ेगा वहां पर। वो कुरान वहां पर पढ़ता है और हम जाकर के बेल बजाएंगे, चक्कर लगा लिए, फिर घर में चले गए। नहीं, हमें गीता, अपना गीता ग्रंथ को हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए गीता श्री महात्मा गांधी खुद बोलते थे। महात्मा गांधी का नाम सुने हो, कौन कौन उनका नाम सुने हो, महात्मा गांधी का। आप उनको जीवन चरित्र पढ़ करके सुनना, वो क्या कहता है। वो महात्मा गांधी कहता है, जीवन में जब जब हमारी कोई समस्या जीवन में आई, इसका आंसर हमें ये भगवत गीता जब मैं पढ़ता था, इसका सारे उत्तर हमें ये गीता से मिलती थी। इसलिए महात्मा गांधी ने ये गीता को पर उन्होंने पूरा टीका लिखी। महात्मा गांधी खुद, ये महात्मा गांधी स्वयं ये बात को कहता है, ठीक है ना। इसलिए कहते श्री, इतने में श्री शंकर जी, इनके बगैर प्रभु कोई लीला नहीं होता है। जब भगवान राम बन करके आए, श्री ये हनुमान बन करके आए और प्रभु राम की सेवकाई की। अभी शंकर जी प्रार्थना करते बोले, प्रभु बड़ी दूर से मैंने आया है तुम्हें दर्शन करने के लिए, मेरे को एक झलक दर्शन करा दो। इतने में कृष्ण रोना प्रारंभ की, मैया जितने उनको थपथप लगाए उतना जोर जोर से कृष्ण रोते हैं। एक गोपी ने बोले, मैया जो बाबा आया ना वहां त्रिशूल गाड़ करके बैठा हुआ, कहते जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे यहाँ से मैं जाने वाला नहीं, जाओ दर्शन करा के ले आओ। फिर मैया मोटी मोटी काजल लगा दी, यहाँ काजल का बड़ा बूंद लगा दी, काले कपड़े से ओढ़ करके और शंकर जी को एक झलक दर्शन कराए। दर्शन करते ही लाला तो जोर जोर से रो रहा था, लेकिन शंकर जी को दर्शन करते ही कृष्ण तो खिलखिल खिल कर हंसने लग गए और शंकर जी हंस रहे थे, रोना शुरू कर दिए। मैया बोली, जरूर बाबा कुछ जानता है, क्योंकि इसने लाला का तो रोना ले लिया और वो अपना हंसना दे दिया इनको, मतलब ये कुछ जानता है। बोले, बाबा तेरे कोई जादू तो ना आता है क्या। बोले, हाँ। बोले, बाबा मेरे लाला को ऊपर में बड़ी जल्दी जल्दी नजर लग जाता है, कुछ उपाय है। शंकर जी बोले, एक काम करोगे ना, कभी तेरे लाला को नजर नहीं लगेगा। बोले, बता दो। बोले, जब जब तेरे लाला को कोई भोजन कराओगे, वो प्लेट में जो बच जाएगा ना, मेरे को ला करके दे देना। बोले, बाबा सो कर लूंगो। बोले, और कुछ करना पड़ेगा। बोले, और एक काम करोगे, कभी नजर लगेगा नहीं। बोले, बता दे। बोले, लाला को जब स्नान कराओगे,
वो जो चरणामृतों को ला करके मेरे सर पर डाल देना। आप लोग कोई नंदगांव गए हो? नंदगांव कौन कौन गए, हाथ उठाओ। इतने ही लोग गए हो? एक बार संपूर्ण चौराहे से ब्रजमंडल परिक्रमा लगानी चाहिए। लेकिन कभी कभी तो हम बड़े बड़े दूर दूर में चले जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन ये यहाँ से 3 घंटा का रास्ता है ब्रज है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 2.5-3 घंटे का रास्ता है, है? ये ब्रजधाम ऐसे के धाम है जो ये ब्रजमंडल का परिक्रमा कर लेता है, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ का परिक्रमा हो जाती है, सारे परिक्रमा हो जाती है। मैंने पहले आपको बता रहा था ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, गया, गंगा, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, ये सारे तीर्थ आपको ब्रज में मिलेंगे, सारे तीर्थ। इसलिए रसखान कहते हैं, किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, केशव के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी के द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम ले कर करेंगे क्या, जानते नहीं है क्या हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए वृंदावन दर्शन कर लेना, सबका धाम सब हो जाएगा, सारे धाम तुम्हारे दर्शन हो जाएगा। कौन जाना चाहते हैं, हम यहाँ से बस लेकर जाएंगे, आपको पूरा 4 धाम दर्शन कराएंगे, पूरा ब्रजमंडल दर्शन कराएंगे, ठीक है? कौन कौन जाना चाहते हो? हाँ, यहाँ से बस करके सब काम ले जाएंगे। जाओगे कि तब? ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए अगर आप नंदगांव देखोगे ना, वहां पर जब भगवान कृष्ण स्नान करते हैं, वहां से सीधा एक लाइन आई पाइप, और शंकर जी का सर के ऊपर में भगवान की जो चरणामृत आकर गिरता है। जब भगवान कृष्ण को भोजन खिलाते हैं, सबसे पहले श्री शंकर जी को पास में आएगा, फिर शंकर जी प्रसाद पाएंगे, फिर वो प्रसाद सारा दुनिया को मिलता है। जब भगवान को कोई प्रसाद भोग लगे, वो प्रसाद होता है, लेकिन वो प्रसाद जब भगवान कोई भगवान की भक्तों को भोग लग जाए, जैसे माँ देवी, हनुमान जी, श्री शंकर जी, अगर लगे ना, वो प्रसाद नहीं, उसका नाम महा महाप्रसाद, उसका और ज्यादा महिमा बढ़ जाती है। इसलिए नियम है, डायरेक्ट कोई भी चीज हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देकर सुनो, हम लोग क्या करते हैं, लड्डू भोग लगाया और सीधा हनुमान जी को सामने रख दिया, 100 मन लड्डू, हनुमान एक बूंद देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ में, कभी कभी एक बूंद भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? हनुमान जी कौन है? जब भगवान राम का दरबार लगे, हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं? राम के चरण में बैठे हुए होते हैं। जब तक भगवान राम कोई चीज नहीं ग्रहण करते हैं, माता जानकी ग्रहण नहीं करती हैं, जितने लड्डू रख लो और मुंह में ठोस दो, एक बूंद भी खाने वाले नहीं। हनुमान जी भूखे नहीं तुम्हारे लड्डू के लिए बैठे हैं, लेकिन जब भगवान राम सीता को भोग लग जाती है, पर देने का जरूरत नहीं, हनुमान लपक कर खा लेंगे। इसलिए कोई भी चीज हो, शंकर जी हो, देवी हो, इनको कोई चीज डायरेक्ट मत भोग लगाओ, पहले भोग लगाओ श्री कृष्ण हो, राम हो, नारायण हो, इनको भोग लगाओ, फिर ये प्रसाद सारे देवा देवी को ये प्रसाद देनी चाहिए। देखो अभी एक आपको पद्म पुराण का एक सुंदर स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो, इसको सुनोगे ना आपको बहुत सारी ज्ञान होगी। बोले एक समय श्री नारद जी, इनको पता चला अगर भगवान विष्णु का प्रसाद एक बार कोई ग्रहण करे, फिर वो जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए मुक्त हो जाता है। इतने में श्री नारद सीधा वैकुंठ में पहुंचे, नारायण के पास में है, और भगवान से बोले प्रभु थोड़ी सी प्रसाद दो। नारायण बोले देखो नारद जी, ये प्रसाद मैं नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले ये लक्ष्मी खाना बनाती है और ये खाना बना करके मेरे को खिलाती, फिर ये क्या करती नहीं करती मेरे को पता नहीं, तो लक्ष्मी को पास में जाओ। तब उन्होंने लक्ष्मी को पास में आए, लक्ष्मी तो डांट लगा कर भगा दिए, बोले इतने कष्ट करके मैं खाना बनाती हूँ और प्रभु को खिलाती, जो छोड़ देते हैं प्रभु जी उसी से ही मैं जीविका निर्वाह करती हूँ, और तू बीच में प्रसाद मांगने के लिए भाग यहाँ से, प्रसाद प्रसाद नहीं। फिर श्री नारद जी नारायण को पास में गए, बोले मैया तो मेरे को भगा दिए,
बोले एक काम कर सकते हो, बोले बताओ, बोले ये रहस्य बात है, मेरे मंदिर को पीछे जाओ, एक कुआ वो ढका हुआ उसका ढक्कन को खोलो, उसमें स्नान करो, फिर ये नारद शरीर तुम्हारी बदल जाएगा, एक सुंदर तुम गोपी रूप धारण करोगे, ये रूप लेकर के वैकुंठ में लक्ष्मी को पास में जाओ, उनकी चरण की सेवा करते रहो, और इतने सेवा करना, इतना सेवा करना जैसे लक्ष्मी रीझ जाए, कुछ दिए बगैर रह नहीं सके। फिर उनको तीन बार कसम खिलाओ, प्रसाद मांगोगे फिर प्रसाद मिलेगा, कर सकते हो? बोले प्रभु मैं जरूर कर सकता हूँ। नारद जी कितने हजार साल तक मैया लक्ष्मी के चरण की सेवा की। आप देखना, पत्नी जब ज्यादा पति की सेवा करती है ना, पति को पता चल जाता दाल में कुछ काला है, ये इतने क्यों सेवा करती है, उसको पता चलता कुछ मांगने वाली ही है कि नहीं, है कि नहीं? वो पति को अपने आप पता चलता ये कुछ मांगने वाली, इतने क्यों कर रही है, कारण क्या है? इसलिए लक्ष्मी इतने रीझ गए, बोले बहुत सेविकाएं आई हैं, लेकिन तुम्हारी जैसे कोई सेविका नहीं आई, बताओ तेरे को क्या चाहिए? बोले तीन बार कसम खाओ फिर मैं मांगूंगी। लक्ष्मी तीन बार कसम खाए, बोले बताओ, बोले भगवान का थोड़ा प्रसाद दो, ठाकुर जी की प्रसाद दो। लक्ष्मी बोली बताओ तू है कौन? लगता है तेरे ये असली रूप नहीं है, क्योंकि इतने दिन से तुम सेवा कर रही, इतने सेवा कर रही है, मैं समझ गई थी तू कोई दूसरे है। सही सही बताओ, तुम भगवान की प्रसाद की महिमा सब नहीं जानते हैं, और इतने साल तक तपस्या की सेवा, तुम बताओ कौन है? इतने में से नारद जी प्रकट हुए, बोले हाँ तुमने पहले प्रसाद के लिए आया था ना? बोले हाँ। बोले तुमको ये रास्ता किसने दिखाया? बोले प्रभु स्वयं बताएंगे, इसलिए मेरे को थोड़ा प्रसाद दो। वो कसम खा चुकी है, जब भगवान प्रसाद पाए नारायण, जो दाल भात सब्जी को उन्होंने मिला करके उसको थोड़ी सी श्री नारद जी को दिए, नारद जी जब थोड़ी सी प्रसाद पाए, इतने प्रसन्न, इतने खुश हो गए, नारद जी नृत्य करते करते नाचते नाचते पहले कैलाश में पहुंचे, शंकर जी वहां पर ध्यान लगा करके बैठे हुए थे, बोले भैया आज क्या बात है, नारद जी इतने क्यों नृत्य कर रहे हैं, लगता है कोई विशेष कोई बात है, इतने आनंद तो नारद में दिखता नहीं। नारद जी से पूछे, बोले नारद क्या बात है, इतने आनंद क्यों? बोले आज हमें कितने हजार साल के बाद में भगवान नारायण का प्रसाद मिला। बोले देखो प्रसाद बांट करके खाओ ना, वैकुंठ जाते ही मेरे लिए कुछ लाए हो। बोले भैया इतने सालों के बाद में ठाकुर जी थोड़े दिए, उतना ही खा लिए। बोले देखो ना तेरे हाथ में लगा हुआ होगा, सचमुच से केवल एक अन्न का दाना था, और ना शंकर जी एक अन्न का दाना खाए ना, इतने में तांडव नृत्य करना शुरू कर दी कैलाश में, कैलाश डगमगाने लगा, माँ पार्वती थी। बोले भैया जी क्या बात है, ये नारद शंकर जी इतने आनंद में क्यों नृत्य कर रहे हैं? बोले प्रभु क्या बात है, बोले मेरे को भगवान की प्रसाद मिला। देखो माँ पार्वती क्या कहती है, बोले मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, पति को जो कुछ मिलेगा उसका आधा हिस्सा पत्नी की है, मेरे लिए कुछ रखा कि नहीं? बोले ये एक अन्न का दाना था, बोले जो कुछ क्यों नहीं हो है, वो आधा हिस्सा मेरी थी। इतने में माँ पार्वती तो बिगड़ गए, बोले ये नारद जी बड़े स्वार्थी बने, प्रसाद अकेला खा लिया, और शंकर जी को भी मिला ये भी अकेले खा लिए, कहते मैं और ये कैलाश में नहीं रहूंगा, ये कैलाश छोड़ करके मैं मर्त्य जगत में जाऊंगी, सबसे पहले प्रसाद भगवान को मुझे मिलेगी। माँ है ना, देखना जो माँ है ना, वो कभी रसोई बनाकर स्वयं चट नहीं कर लेती है, स्वयं नहीं खाती, क्या करती है, पति को खिलाती है, बच्चे को खिलाती, बाद में माँ खाती है, वो माँ है ना। बोले मैं अकेले नहीं, ये विश्व ब्रह्मांड को मैं प्रसाद दिलाऊंगी। फिर माँ पार्वती कैलाश को त्याग दी, और त्याग देकर श्री जगन्नाथपुरी में आई। जगन्नाथपुरी कौन कौन गए हो? जगन्नाथपुरी आप देखना, ठीक जगन्नाथ मंदिर को पीछे माँ विमला की स्थान है, उनको जो बाहन पीठ है, माता जी की जो चरण है, वो जगन्नाथ मंदिर में, वो विमला देवी है,
जब जगन्नाथ जी को हर जगह में प्रसाद है, लेकिन पुरी में प्रसाद नहीं हो, महाप्रसाद क्यों? सबसे पहले श्री जगन्नाथ जी खाते हैं, फिर वो सीधा जो सोने की थाली वो सीधा आती है श्री माता देवी को मंदिर में, फिर माँ खा करके अब वहां जाकर के देखना कितने लोग एक साथ में प्रसाद खाते हैं, हजार हजार लोग, बोले जगन्नाथ जी का भात और जगत पसारे हाथ है, इसलिए माँ दुनिया को वहां पर प्रसाद खिलाती है। आप लोग समझ गए कि नहीं? समझ गए हो? इसलिए कोई भी चीज हो, पहले कृष्ण हो, राम हो, नहीं तो नारायण हो, इनको तुलसी दल से भोग लगा, फिर वो प्रसाद श्री शंकर जी को हो, शंकर जी को भी डायरेक्ट कोई चीज नहीं लगानी चाहिए। अब जगन्नाथपुरी जाओगे ना, हम वैष्णव लोग कहीं भी डायरेक्ट शंकर जी के प्रसाद नहीं खाते हैं। अब शिव पुराण पढ़ करके देखिएगा, शंकर जी के डायरेक्ट प्रसाद खाने पर उसका दुर्दशा का तो कुत्ते जन्म भोग करना पड़ता है। इसलिए केवल वैष्णव लोग जो हम हैं, केवल एक स्थान पर हम लोग शंकर जी का प्रसाद पाते हैं, श्री जगन्नाथपुरी एक भुवनेश्वर है, वो जो शंकर जी की मंदिर है उसका नाम लिंगराज। कौन कौन दर्शन किए हो? कोई भुवनेश्वर गए हो? एक माता जी गई, कोई नहीं गई? अब जब दूसरे माता जी गई है वहां पर लिंगराज, लिंगराज मतलब क्या? पृथ्वी में जितने शिवलिंग है, इतने बड़े शिवलिंग पृथ्वी में आप कभी नहीं देखोगे, उसमें गंगा जमुना हरिहर मूर्ति, इतने बड़े शिवलिंग है पृथ्वी में कहीं नहीं देखोगे। और वहां पर और एक शिवलिंग है, जो एक शिवलिंग में करोड़ों शिव प्रकट हुए, इतने 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 इतनी सी एक लिंग में करोड़ों शिवलिंग एक लिंग में वहां पर है। वहां पर श्री जगन्नाथ जी को पहले प्रसाद भोग लगेगा, फिर श्री शंकर जी प्रसाद पाते हैं, फिर सारा दुनिया वो प्रसाद पाते हैं। इसलिए कोई भी घर में चीज हो, पहले भगवान को भोग लगाना, पहले ठाकुर कृष्ण राम को भोग लगाना, फिर हनुमान हो, शंकर जी हो, पार्वती हो, गणेश हो, फिर सबको प्रसाद दो ना, वो लोग बड़ी प्रसन्न होते हैं और खूब आशीर्वाद तुम्हें देंगे, खूब आशीर्वाद तुमको देंगे। ठीक है, अभी भी आप नंदगांव में जाओ, पहले कृष्णा उसके बाद में फिर श्री नंदीश्वर महादेव प्रसाद पाते हैं, फिर वो प्रसाद सबको मिलता है। बोले श्री भोले बाबा की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी कृष्ण धीरे 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 कृष्ण बड़े होते जा रहे हैं, और कृष्ण जितने बड़े होते जा रहे हैं ना, कृष्ण उतना नटखट होते जा रहे हैं। एक दिन कृष्ण जब 3 महीना के हुए, अपना करवट लिए, मैया यशोदा बड़ी खुश हो गई, लाला को शरीर में ताकत आ गया, लाला ने आज करवट ली, आज हम घर में उत्सव मनाऊंगी, सारे ब्रजवासियों को नौता दे दी, अपना आंगन साफ सुथरा करके जितने दूध दही था उन्होंने एक बैलगाड़ी के ऊपर रख दी, और कृष्ण को लेकर उसको नीचे सुला दी, और गोपियां बैठ करके कीर्तन कर रही थी, बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, ओ जियो श्याम लाला, तिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तिली तेरी पगड़ी तेरी पगड़ी रंग काला, आ गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो
कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पार गए जय 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 कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। अभी गोपियां बैठ करके कीर्तन कर रही थी, इतने में कृष्णा सो रहे थे बैलगाड़ी को नीचे। अभी कृष्णा का नींद खुल गई, देखा देखो मैं गोलोक वृंदावन छोड़ करके इसलिए आया हूँ मेरे भजन कीर्तन का आनंद लेने के लिए। आज जो जो यहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहते मेरे उत्सव को उपलक्ष्य में मैंने आज करवट ली है। देखो पहले पहले आप लोग जितने बड़े बड़े होंगे देखना, पहले पहले घर में किया नियम होता था, शादी में हो, बच्चे का बर्थडे में हो, कोई भी दिन में हो, क्या करते थे, सबके सब हरि कीर्तन करते थे। क्योंकि जो भगवान की कीर्तन का माध्यम से कोई भी काम करना, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, कोई भी काम से अगर प्रभु की भजन के द्वारा करो घर का सारे अमंगल दूर हो जाएगी, वो काम अच्छा होता है। हमारी संस्कृति नहीं बर्थडे में केक काटना, वो हमारी संस्कृति नहीं, ये क्रिश्चियनों का संस्कृति है। हमारा संस्कृति तो बैठ करके हरि कीर्तन करना, बच्चों को आशीर्वाद भगवान के मंत्र से आशीर्वाद देना। इतने में कृष्ण की नई आँख खुल गई, बोले सब कुछ मेरे लिए हो रहा है और देखो मेरे को कहाँ पर उठा करके रख दिए। देखो जैसे यहाँ कथा सुन रहे ना, जैसे यहाँ कीर्तन हो रहे हैं, हाँ हमें भी अच्छी लगती है, लेकिन सबसे अच्छी किसको लगती है आपको पता है? कथा सुनने का सबसे बड़ा जो रसिया जानते हो वो कौन है? कौन है? कहती है भगवान कृष्ण है। देखो आपकी कथा सुनाता हूँ, ये जयपुर की कथा है। आप जयपुर कोई गए हो? जयपुर कौन कौन गए हो? वहां पर देखना एक भगवान गोविंद देव का मंदिर है, वो गोविंद देव मंदिर में एक संत आकर के हर साल में ठाकुर जी की कथा कराते थे। एक साल कथा करके चले गए, फिर दूसरे बार संत आए, आ करके सबसे प्रश्न किए, ये बताओ मैं एक साल पहले मैंने जो कथा की थी, ये कथा को हमने कहाँ विश्राम दिया था, फिर उसको बाद में फिर मैं कथा को आरंभ करूँगा, बताओ तो किसको याद है? अभी एक साल पहले कहाँ पर कथा की थी, सबके सब तो भूल गए, अभी कोई भी बता नहीं सके। वो संत ने कहा लगता है यहाँ पर कथा ठीक ठीक से कोई नहीं सुनते। जब इतने से बोली ना, वो जो भगवान का मंदिर गोविंद देव थे, अंदर से आवाज आई, बोले महात्मा जी आप कैसे बता सकते हो कोई कथा सुनने वाले नहीं, कथा सुनने वाला मैं हूं ना, मैं कथा सुन रहा हूँ, आपने यहाँ से यहाँ तक लेकर के विश्राम की थी, इसको बाद में यहाँ से कथा शुरू होगी, स्वयं ठाकुर जी के मंदिर से ही आवाज आए। इसलिए भगवान की जो कीर्तन है वो इतने रस है, इसमें इतने आनंद है, हमारी बात छोड़ दो, भगवान भी अपनी कथा में स्वयं भी डूब जाते हैं। अभी कृष्ण का उम्र 3 महीना की हुई, कृष्णा सोच रहे हैं मैं भी थोड़ा भैया आनंद लूं अपना कीर्तन का। इसलिए नारद जो भगवान से पूछे अब कहाँ रहते हो, भगवान क्या बताए, बोले ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय च। बोले हे नारद, दुनिया कहता है मैं वैकुंठ में रहता हूँ, दुनिया कहते हैं मैं जोगियों का हृदय में, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ और जोगियों की हृदय में भी नहीं रहता हूँ, कहाँ रहते हो? बोले एक जगह में तुम मेरे को पाओगे, मद भक्ता जत्र गायन, जहाँ पर मेरे भक्त बैठ करके मेरे कीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, केवल वहीं रहता हूँ।
मैं और कहीं नहीं रहता हूँ, ये स्वयं कहते ठाकुर जी। अभी कृष्ण की इच्छा, भैया मैं भी थोड़ा कीर्तन में आऊं, मैं भी थोड़ा रस लूं। लेकिन ये कृष्ण का उम्र कितना है, अभी 3 महीना, अभी घुटन पर भी प्रभु चलना नहीं आता है। अब देखना मैया बच्चे को कब उठा करके लाती है, अगर बच्चा रोए। कृष्ण सोचा अगर मैं जोर जोर से थोड़ी सी रोऊं ना, मैया की कान में आवाज पड़ेगी तो मैया मेरे को ले आएगी। अभी कृष्ण रोना शुरू कर दिया जोर जोर से, लेकिन वहां पर तो बड़ी जोर जोर से कीर्तन चल रही थी। और मैया घर में कोई आया, किसको किया देना किया लेने, इसी में लगी हुई थी। मैया की कान में आवाज पड़ी नहीं, कृष्ण रो रो करके तो थक गए। बोले और कितना रो, इतना तो रो लिया, मैया मेरे को उठा करके ले नहीं जा रही है। इतने में कृष्ण की जो इच्छा शक्ति जोग माया, उन्होंने कंस को प्रेरणा की। कंस ने एक दैत्य को भेज दिया जिसका नाम था शकटासुर। यह पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था। एक दिन एक संत की बगीचा में प्रवेश करके, बड़ा ताकत था, उसने संतों की सारी बाग को उसने उजाड़ दी। जब उजाड़ दी, संत ने अभिशाप दिए, बोले इसलिए तू इतने मोटे सोटे लंबे चौड़े बने, ये संतों की ठाकुर जी की बाग को उजाड़ने के लिए, तेरे को हम अभिशाप देते हैं, जिस शरीर में तुम्हारी इतने अभिमान, ये शरीर नहीं रहेगा तेरा। देखा धीरे धीरे वो गायब होते जा रहा है, अभी सारे नशा उतर करके आ गया। फिर संतों को चरण में गिरे, बोले अपराध को माफ कर, मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे, उनकी चरण स्पर्श से तेरे उधार मिलेगी। अभी वही शकटासुर ने आकाश में उड़ते हुए आ गया, देखा कृष्ण ये बैलगाड़ी को नीचे लेटे हुए हैं। सोचा इसको ऊपर मैं सवार हो जाऊं और धीरे 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 दबाते दबाते ऐसे दबा दूं कृष्ण पिस जाएंगे। कृष्ण देखा मामा जी आ गए, कंस मामा लगते हैं, इनकी संबंधी सबके सब मामा लगते हैं। बोले मामा जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। जब ये सकट गाड़ी को धीरे 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 नीचा कर रहा था ना, इतने में कृष्ण एक ठोकर मारे, ऐसे ठोकर मारे जो बैलगाड़ी ना धड़ाम करके गिरी। जितने इसको ऊपर में दूध दही मक्खन मिश्री सब के सब तसनस हो गई। गोपियां बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, बोले ये क्या हो गया, आंधी तूफान नहीं, ये पलटी तो पलटी कैसे, सबके सब भागते भागते आ गए। लेकिन सखाओं ने देखा था कृष्ण के चरण स्पर्श से पलट गया। सखाओं ने तो बताए, मैया ने बोले लगता है ज्यादा भांग की गोला खा लिया हो, लाला अभी 3 महीना के, बोले इनकी चरण की ठोकर से कैसे गिर गई। लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुआ। कृष्ण यहाँ दिखाए, कृष्ण पुतना के जो मारे ना 6 दिन में दिखाया, कृष्ण के जो होठ है वो होठ में कितने शक्ति है, और 3 महीना में शकटासुर को मारे, बोले कृष्ण 3 महीना लेकिन उनकी चरण में कितने शक्ति है, जो कि इतने बड़े दैत्य को चरण से ठोकर से मार दिए। इतने में गोपियां आ करके फिर कृष्ण को उठा करके ले गए, बीच में लेटा दी। फिर गोपियां कीर्तन करना शुरू की। कृष्ण बोले अगर पहले से मेरे को ले आती, इतने नटखट में करता ही नहीं। देखो अभी ध्यान देखने सुनो, एकदम अच्छे तरह से सुना, इसमें शिक्षा क्या दी है, इतने से चीज यहाँ से लेकर के जाओ। देखो घर में उत्सव हो रही थी, लेकिन कृष्ण को क्या किया, ये उत्सव से अलग कर दिया। कहाँ लेटा दी, बोले बैलगाड़ी को नीचे। लेकिन घर का सामान कहाँ रख दिया, बोले बैलगाड़ी के ऊपर में। मतलब संसारी की वस्तु को तो ऊपर कर दिया, और भगवान को क्या कर दिया, नीचे कर दिया। भगवान कहते हैं खबरदार ऐसे मत करना, अगर ऐसे करोगे ना एक दिन में ऐसे ठोकर मारूंगा, सब कुछ तसनस कर दूंगा। हम भी देखना संसार में यही करते हैं, घर में शादी हो रही है, घर में बर्थडे हो रही है, सारी दुनिया को हमने बुलाया, पता नहीं कितना बोतल तोड़वा दिया, कितने जानवर को हमने हत्या कर दी। देखो एक संत कह रहे थे बोले जिस बच्चे का तुम बर्थडे में शादी में लिखते हो शुभ विवाह, बच्चे का बर्थडे बनाते हो, इतने तुमने जो बोतल तोड़वाते हो, बोतल तोड़ना समझते हो शराब पीना है, और इतने जानवर को तुम खिलाते हो मार करके, कहते हो बच्चे का कभी कल्याण हो सकती है। वो संत कहते थे अगर बच्चे का 50 साल उम्र होगा ना, 100 साल उम्र होगा, सीधा 50 साल में उतर आएगा।
सीधा उतर आएगा। बोले क्यों? बोले जिसकी उद्देश्य में तुमने इतने शराब पिलाए, तुमने इतने जीव हिंसा तुमने की, पाप कर्म की, वो बच्चे का कभी कल्याण हो ही नहीं सकती है, उसका कल्याण नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति है, हर चीज में प्रभु का कीर्तन को द्वारा करो भगवान की। हम भी ऐसे करते हैं, शराब देखना आप बच्चे का बर्थडे, बच्चे के लिए कितने सुंदर कपड़ा, अपना के लिए भी कपड़ा ले आओगे, लेकिन घर में गोपाल जी बैठे हैं, नहीं तो घर में ठाकुर जी बैठे हुए, वो एक पोशाक से 15 दिन से बैठे हुए, एक पोशाक, अब 15 दिन से ठाकुर स्नान ही नहीं किए, और हम दिन में 3 बार नहा रहे हैं और 3 बार हम अपना नए नए कपड़ा पहन रहे हैं। अपना अलमारी में देखना, हैंगर में कितने साड़ी सूट सलवार लटका करके रखे, देखो ठाकुर जी के लिए तुमने कितना बनाया। हाँ, क्या करना चाहिए? जब कोई बच्चे का बर्थडे हो, कोई शादी शुदा होता है, क्या करो? पहले अपना लिए कपड़ा बदलाओ, पहले भगवान के लिए कपड़ा लाओ। बोले नहीं, भगवान के तो 5 से 10 ड्रेस है। बोले तुम्हारी कितने ड्रेस है? द्रौपदी ने भगवान को क्या दिया था बताओ? जब भगवान की अंगुल कट गई, द्रौपदी ने केवल साड़ी फाड़ करके केवल बैंडेज कर दी, कितने कर दी थी ना। कृष्ण सोच रहे थे, देखो इतने कीमती साड़ी को द्रौपदी ने फाड़ करके मेरे बैंडेज कर दी, इसकी रीढ़ी में कब उतारू, इसकी रीढ़ी में उतारू कब। कृष्ण सोच रहे थे, लेकिन जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी की जब वस्त्र हरण कर रहा था, कृष्ण स्वयं वस्त्र बन करके प्रकट हो गए। 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रहे थे ये साड़ी की नारी, ना नारी पीछी कोई साड़ी है ना। भगवान के लिए इतने करते हैं। अभी कथा सुन रहे थे ना, ध्यान देख रहे, इधर सुना, सुदामा ने कृष्ण के लिए क्या लेकर गया था बताओ? 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गया था, है ना। ठाकुर जी 1 मुट्ठी खाए, ठाकुर जी 2 मुट्ठी खाए, जब 3री मुट्ठी खाने जा रहे थे, रुक्मणी हाथ पकड़ दी, बोले नहीं, आपने 2 मुट्ठी चिड़वा खिलवाया, इसका मतलब जानते हो? उसको घर में सारी राज ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर आप 3री मुट्ठी खाओगे ना, मैं जो लक्ष्मी हूँ उसको घर में मेरे को दासी बनना पड़ेगा। जब सुदामा वापस आया, सोने की राजमहल, पत्नी राणी बैठी हुई, बन करके बैठी हुई, सुदामा पहचान नहीं पा रहे हैं। वो सुदामा जी को आरती उतारने के लिए आई, सुदामा पीछे पीछे हट रहा था, बोली ये राजकुमारी मेरे तरफ पे क्यों आ रही है? इतने में सुशीला बोली, मेरे को पहचान नहीं रहे हो? बोले तू है कौन? बोले आपकी सुशीला ना, ऐसे देखा, बोले हाँ ऐसे तो लग रहे हो, ये क्या है? बोले ठाकुर जी के लिए 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर जी चिड़वा खाए तो राज ऐश्वर्य देगी। देखो भगवान को देने का कितने महत्व, लेकिन हम क्या करते हैं, घर में बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगे, घर में बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगे, उल्टा पुल्टा प्याज लहसुन दे दा करके कभी मांस मछली खिलाए, सारा दुनिया को हम खाना खिलाएंगे, लेकिन जिसने तुमको ये जीवन में सब कुछ दिया है वो घर में भूखा बैठा हुआ, वो भूखा में बैठा हुआ तुमको जिसने दिया, और जिसने भूत को बुला करके गंदी गंदी फिल्म के ऊपर में, डिस्को डांस के ऊपर में, गंदी गंदी फिल्म के ऊपर सब पागल जैसे नाच रहे, शराब पी करके, जिसने कुछ नहीं दिया उनके लिए तो सब कुछ कर दिया, और जिसने तुमको सब कुछ दिया वो भूखा बैठा कर, वो भूखे में बैठे। हाँ इधर देखो मेरे तरफ में, देखो इधर देखो, ध्यान देख रहे सुना, कभी कभी हम कहते हैं, मन लगा करके सुनो, नहीं वहीं पर खड़े रहो, वहीं पर खड़े रहो, मैं बुलाऊंगा आपको। इसलिए अभी हम कहते हैं, हम तो ठाकुर को भोग लगाते हैं, क्या करते हैं हम तो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। देखो हम कैसे भोग लगाते हैं, हम कैसे भोग लगाते हैं, ठाकुर के सामने थोड़ी सी दूध रख दिया, नहीं तो थोड़ी सी बातासा रख लिया, और घर में प्याज लहसुन डाल डूल करके और चकाचक खा रहे हैं, और जिसने दिया है ना थोड़ी सी मिठाई रख दिया, नहीं तो थोड़ी बातासा उसको सामने रख दिया, क्योंकि हम तो भोग लगाते हैं। देखो सुना, ध्यान दे करके, जैसे तुम्हारी घर में कोई एक नौकर है, वो नौकर क्या करता है, मालिक को तो जैसे जैसे थोड़ा खाना दिला देता है, और खुद है ना बढ़िया बढ़िया खाना बना कर खा रहा है, और जो घर का मालिक को जैसे तैसे बना करके दे दिया। अभी आप बताओ,
अगर वो मालिक को पता चले ये नौकर हमारे साथ में इसे कर रहा है, दुनिया मेरा सब कुछ मेरी है और मेरे को जो दे से तैसे थोड़ा दे दिया और चकाचक माल बना कर खा रहे हैं, बताओ ये मालिक नौकर को क्या करेगा? आप बताओ, बताओ आप लोग बताओ, क्या करेगा? उसको घर से निकाल देगा कि नहीं? ये बताओ घर का मालिक है, हम ना घर का मालिक ठाकुर है, बताओ हम मालिक ना ठाकुर की मालिक है, ठाकुर उसने सब कुछ दिया लेकिन उसको तो हमने जैसे तैसे खिला दिया और स्वयं प्याज लहसुन उल्टा पुल्टा चीज हम चकमाल घोट घाट कर खा रहे हो, पर ठाकुर हमारे साथ में क्या करेंगे? हमें फिर गला धक्का देकर घर से निकाल देंगे, बोले सब कुछ हमने दिया और तुम मेरे को नहीं दे करके मैं भूखा में बैठा हूँ और तुम खाना खा रहे हो, नहीं ऐसे नहीं करो। इसलिए भगवान को जो चीज पसंद नहीं वो चीज को मत बनाओ, इतना ही तो पसंद नहीं प्याज लहसुन, इसलिए प्याज लहसुन को त्याग दो, शुद्ध रूप में खाना बनाओ और भगवान को भोग लगा कर खाओ। देखो ये गीता का श्लोक है, बोले प्रसाद सर्व दुखानाम हानिरस उपजाए थे, हे अर्जुन जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा करके खाता है उसका घर का जितने दुख कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, कृष्ण खुद कहते हैं, ठीक है ना? इसलिए जिनको घर में बहुत ज्यादा दुख कष्ट आप देख लेना, बगैर प्याज लहसुन के शुद्ध रूप में बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ। अब एक सप्ताह ये काम करके देख लेना, घर का जितने दुख कष्ट तुम्हारी है ना वो सब के सब घर से खत्म हो जाएगी, ठीक है? कम से कम भागवत कथा से इतने से चीज यहाँ से लेकर के जाओ, लेकर के जाओगे कि नहीं? हाँ, इतने से चीज लेकर के जाओ, घर में ठाकुर जी को भोग लगा कर खाया करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। देखो अभी राम सिखाएंगे। एक दिन मैया जसोदा कन्हैया को थप थप लगा करके राम कथा सुना रही थी। बोले कन्हैया, कहते एक राजा थे जिनका नाम था श्री दशरथ महाराज, कृष्णा भी छोटे बच्चे हैं, हाँ एक साल के कृष्णा, मैया उनको कथा सुना रही है। कन्हैया बोले हूँ। बोले इनके घर में सारे सुख थी लेकिन घर में किसी बालक नहीं था, इसलिए दशरथ महाराज बड़े दुखी। बोले हूँ। बोले एक समय श्री दशरथ महाराज श्री वशिष्ठ जी को बोले, बोले गुरुदेव मेरे घर में संतान नहीं है, मैं चाहता हूँ घर में संतान हो। तब उन्होंने ऋषि सिंह मुनि को बुला करके उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाए। बोले हूँ। बोले जब यज्ञ कराए उससे खीर बनाए और कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों रानी को खीर खिलाई और उपयुक्त समय होने पर भगवान चतुर्व्यूह रूप में जगत में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। बोले हूँ। बोले इन्होंने जब बड़े हुए तब उनको गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजे और 64 दिन में उन्होंने 64 विद्या को पढ़ करके आए। बोले हूँ। बोले एक दिन से विश्वामित्र जी दशरथ महाराज जी को घर में आए। बोले महाराज मैं चाहता हूँ ये राम लक्ष्मण को संगत में लेकर के जब हमें यज्ञ करते हैं, ये राक्षस लोग हमें यज्ञ करने नहीं देते, इनको द्वारा अपना यज्ञ पूर्ण करना चाहते हैं। बोले हूँ। जब राम लक्ष्मण जा रहे थे रास्ता में उनने ताड़का को मारी और उन्होंने विश्वामित्र जी के आश्रम में जा करके उन्होंने उनको यज्ञ को उन्होंने पूरी की। विश्वामित्र जी बोले राम तुमने तो एक यज्ञ पूरी की है लेकिन एक यज्ञ और हो रही है मिथिला में, वो यज्ञ भी तुम्हें पूरी करना पड़ेगा। तब वो गुरु जी को साथ में जो मिथिला में जा रहे थे बीच में अहल्या गौतम की अभिशाप से पाषाणी बन करके थी, भगवान राम की चरण स्पर्श से उन्होंने श्री अहल्या को उद्धार किया। बोले श्री सियावर राम चंद्र की। जब श्री राम लक्ष्मण जनकपुरी में पहुंचे, श्री जनक महाराज पहले ब्रह्मज्ञानी थे, भगवान को निराकार निर्विशेष मानते थे, लेकिन जब भगवान राम को उन्होंने दर्शन किया, क्या सुंदर और राम लक्ष्मण, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले इन्हें बिलो कत आते हर सेता, इन्हें बिलो कत आते हर सेता, इन्हें
लक्ष्मण को दर्शन किए। दर्शन करते ही भगवान को जो ब्रह्म ब्रह्म कह रहे थे वो ब्रह्म को ध्यान में डूबे हुए थे, लेकिन जब राम लक्ष्मण को दर्शन किया ना वो अपनी आप उनके मन से जो ब्रह्म सुख अपनी आप हट गया और प्रभु राम के रूप में ही डूब गए। वो समझ गए कि जो राम है ना ये कौन है, मैं तो ब्रह्म को याद करता था, ये ब्रह्म नहीं ये परम ब्रह्म है। राम कौन है, ये परम ब्रह्म श्री भगवान राम है। अभी जनक महाराज की प्रतिज्ञा थी जो शिव धनुष था ये धनुष को उठा करके जो प्रत्यंत चढ़ा देगा उसको साथ में मेरी बेटी जानकी की शादी होगी, लेकिन वो समझ गए कि जो राम है ना यही ये धनुष को तोड़ सकता है। बोले क्यों, कारण किया, बोले कारण है एक दिन मैया सीता